नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम और आप देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी ने ना सिर्फ लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया बल्कि देश को संबोधित भी किया। और अपने इस भाषण को खास बनाने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही पूरे देश से या फिर कहीं के लोगों से सुझाव मांगा था। बाकायदा ये भी कहा था कि आप नमो ऐप में जाके फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं जिसे पीएम मोदी जी अपने भाषण में शामिल करेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ पीएम मोदी के भाषण की पांच वो खास बातें जिन्होंने ना सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व का अपनी ओर ध्यान खींचा। तो शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के सबसे बड़े ऐलान का, या फिर यूँ कहें कि उनका पहला ऐलान जो जुड़ा था वो सेना से जुड़ा था। जी हाँ, सेना को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने के लिए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बड़ा ऐलान किया। और एक तरह से इसे देखें कि तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया गया और सेना के इतिहास में ये पद पहली बार बनाया गया है। उन्होंने तीनों सेनाओं को साथ चलने के लिए, उन्हें साथ चलाने के लिए CDS का ऐलान किया। पीएम मोदी के भाषण में जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो था जनसंख्या कानून। जी हाँ, देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कई बातें बोली। उन्होंने कहा कि हमें इस विषय को लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा और सीमित परिवार से ना सिर्फ खुद का बल्कि देश का भी भला होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस विषय पर आगे कदम बढ़ा चुके हैं और सीमित परिवार के फायदों को लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें आज सम्मानित करने की ज़रूरत है। छोटा परिवार रखने वाले देशभक्ति तरह हैं और घर में किसी भी बच्चे के आने से पहले सोचें कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने भाषण में पीएम मोदी जी ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर भी चिंता जाहिर की, तभी तो उन्होंने इतनी सारी बातें बोली। जो कि देश की आबादी करीब 130 करोड़ है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और कहा जा रहा है कि चीन की आबादी को भी भारत की आबादी पीछे छोड़ देगी। और जिसके चलते पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। अब तीसरा पॉइंट आता है जल संकट पे। देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने जिस तरह स्वच्छता भारत अभियान का एक अभियान छेड़ा था, उसी तरह उन्होंने इसमें भी जल जीवन मिशन का ऐलान किया। और इसके लिए बाकायदा अपने इस मिशन के लिए उन्होंने करीब 3.5 लाख करोड़ का बजट का ऐलान किया, जिसके तहत लोगों को जल संचय से लेके समुद्री पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वेस्ट वाटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम पानी में किस तरह से खेती जाती है, इस मिशन के तहत ये तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन देश में बढ़ते जल संकट पर मोदी जी ने क्या कहा, अब ये हम आपको बताते हैं। मोदी जी ने कहा कि अभी तक हर दल की सरकार ने देश की भलाई में कुछ ना कुछ किया है, लेकिन अभी भी 50% लोगों के घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और लोगों को पीने के पानी के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार अब हर घर में जल की ओर कदम बढ़ा रही है। तो एक तरह से पिछले बार लाल किले के प्राचीर से ही पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था और आज उन्होंने जल जीवन मिशन का अभियान छेड़ा है। ये तो तीन पॉइंट्स हैं। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं और वो है अनुच्छेद 370 से जुड़ा। जी हाँ, अपने भाषण में आज जो कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया और अपने भाषण में इसी का उन्होंने जिक्र किया। इसको लेकर उन्होंने विरोधियों से लेके दुश्मनों पर तीखे प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार इस समस्या को ना ही टालती है और ना ही हमारी सरकार इस समस्या को पालती है। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम सरकार आने मतलब अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने 70 सालों में जो काम नहीं किया, हमने वो काम महज 70 दिनों में पूरा किया। 370 पर मोदी जी ने कहा कि देश ने मुझे ये काम दिया था और वही मैं कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर को लेकर 70 साल हर किसी ने कुछ ना कुछ किया लेकिन परिणाम नहीं मिले। पीएम मोदी जी का ये मानना है, उन्होंने जो अपने भाषण में कहा भी कि जो कि अब 370 की बंदिशों से जम्मू कश्मीर आज़ाद हो गया है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के रहने वाले दलितों से लेके गुज्जर और कई लोगों को होगा जिन्हें अभी तक उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। और आखिर में पीएम मोदी ने अपने भाषण में 3 तलाक का भी जिक्र किया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि
पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक पर उन्होंने कहा कि देश की मुस्लिम बेटियां डरी हुई जिंदगी जी रही थी, भले ही वो तीन तलाक की शिकार नहीं बनी हो लेकिन उनके मन में डर रहता था। तीन तलाक को इस्लामिक देशों ने ही खत्म कर दिया था तो हमने क्यों नहीं किया। अगर देश में दहेज भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बना सकते हैं तो तीन तलाक के खिलाफ क्यों नहीं। तो हम आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त जो कि सरकार ने तीन तलाक कानून लागू कर दिया है और अपने भाषण में पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े इस तीन तलाक का जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का भी जिक्र किया। तो ये पांच बड़ी बातें थी जो पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश की जनता को संबोधित किया, अपने भाषण में कहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने जाते जाते कड़े शब्दों में पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान का बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि आतंकवाद पालने वालों को अब हम बख्शेंगे नहीं। यानी कि सीधा सीधा ये इशारा पीएम मोदी का पाकिस्तान की तरफ था। अगर पाकिस्तान की तरफ से अब अगर कोई बड़ी से बड़ी कोई भी कार्रवाई आती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जो कि आज स्वतंत्रता दिवस से NMF न्यूज़ की तरफ से हम आपको भी बधाई देते हैं और पूरे देश को भी। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्नेह से भरा ये पर्व हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन में आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, सपनों को साकार करने वाला हो और स्नेह की सरिता को बढ़ाने वाला हो। आज जब देश आजादी का पर्व मना रहा है उसी समय देश के अनेक भागों में अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कईयों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NDRF, सभी संगठन नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के बिगल में अहिंसा के स्वर भर दिए, पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्षों में
देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्षावधि लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम, 10 सप्ताह के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है।